करेंटली इस केस में आइडेंटिफाई करना व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस फंक्शंस, मीन्स जब भी इस फंक्शंस को किसी भी प्लेस पर अगर कॉल करें देन किस टाइप का वैल्यू रिटर्न होने के चांसेस हैं। इन दैट केस रिटर्न क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ u, लेकिन u का वैल्यू कैसा, डिपेंड्स अपॉन एक्सप्रेशन और रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। देन इसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, एक्सप्रेशंस के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या है, वैल्यू ऑफ t है, t क्या है इस केस में, आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शंस, मीन्स करेंटली कंप्लीटली इस फंक्शंस के रिस्पेक्ट में t का वैल्यू कैसा, अननोन। इसे अननोन वैल्यू के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना है रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, मीन्स इस केस में कंसिडर करेंगे अननोन माइनस 32। इसे इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले सॉल्व करें बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के बेसिस पर अगर बात करें टी, मीन्स अननोन वैल्यू में से अगर 32 को सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स टी के प्लेस पर आप खुद से कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, सभी वैल्यू के रिस्पेक्ट में सेम रिजल्ट जनरेट होने के चांसेस हैं, एग्जैक्टली सेम। किसी भी अननोन और गार्बेज वैल्यू में से अगर 32 सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका रिजल्ट भी कैसा होगा, रिजल्ट इज ऑल्सो अननोन, मीन्स कोई भी अननोन और गार्बेज वैल्यू खुद से पुट कर लेंगे एनी वैल्यू। नेक्स्ट वन, रिमेनिंग केसेस में अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात करें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इन दोनों में से दोनों के प्रायोरिटी कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम प्रायोरिटी, सेम प्रायोरिटी देन सॉल्व करें बेस्ड ऑन एसोसिएटिविटी रूल। एसोसिएटिविटी रूल लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग सबसे पहले चांस प्रोवाइड करें टू द डिवीजन। डिवीजन के केस में फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, 5, सेकेंड ऑपरेंड इज 9, 5 इज इंटीजर, 9 इज ऑल्सो इंटीजर, दैट्स वाई रिजल्ट of this expression is also integer, means इस expression का result किस form में आएगा, integers के form में। 5 को अगर 9 से divide कर दें then इसका result किस form में होगा, some decimal points like that। लेकिन currently अगर integer part की बात करें तो integer part क्या है, 0, इसलिए इस expression के केस में 5 divided by 9 के place पर क्या put करोगे, value as 0। 0 को किसी भी अननोन वैल्यू से किसी भी वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई करें देन इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इज ऑल्सो 0। इस फाइनली इस केस में यू का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी ऑलवेज 0, दैट्स वाई रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज 0, करेक्ट ऑप्शन इज बी।